हाय एवरीवन, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप बहुत ही सिंपल और इजी स्टेप्स में ये ब्लैक ग्लिटर स्मोकी आई कैसे कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी है इसको करना, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आईब्रो बना रही हूँ और इसके लिए मैंने यहाँ पे बेनिफिट का आईब्रो पोमेड लिया है और मेरा नंबर है इसमें 4.5। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी आईब्रोज बिल्कुल भी डेंस नहीं है, बहुत ही लाइट है। तो इस तरह से मैं ये आईब्रो पोमेड की हेल्प से इसको इस तरह से फिल कर लूँगी और दूसरी तरफ भी इसको हम इस तरह से फिल कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने कंसीलर लिया है सबसे पहले और बेनिफिट का कंसीलर है ये नंबर 7 में और इसको मैं लगा रही हूँ इस तरह से। मैंने फ्लैट ब्रश लिया है जोइवा का और सबसे पहले मैं इसको आईब्रो के नीचे इस तरह से लगाऊंगी जिससे कि एकदम नीट एंड क्लीन सा हमारा ओवरऑल लुक लगे, आईब्रो एकदम क्लीन लगे। और यहाँ पर इस तरह से हम इसको अब थोड़ा सा ब्लेंड कर देंगे और अब यही वाले कंसीलर को पूरी आईलिड पर मैं इस तरह से लगा दूंगी और इसको मैं यहाँ पे मैंने ब्लेंड कर दिया है और ये ब्रश है जोइवा का। तो इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से यहाँ पे ब्लेंड कर देंगे और हल्का सा मैंने यहाँ पे लूज पाउडर लगाया है जिससे कि ये सेट हो जाए। यहाँ पे मैंने ट्रांसल्यूसेंट लूज पाउडर लगाया है और अब ये मॉर्फी का पैलेट है जेक्लिन हिल और सबसे पहले ये शेड लिया है मैंने। तो ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से हम इसको क्रीज में लगाएंगे इस तरह से और थोड़ा थोड़ा लेके हम इसको बिल्ड करते जाएंगे और इस तरह से हम इसको यहाँ पे लगा देंगे। तो आपको ये याद रखना है कि थोड़ा थोड़ा हर बार में लीजिए प्रोडक्ट और दोनों आँखों में साथ साथ में करते जाइए। अब ये ब्लैक वाला मैंने शेड लिया है और इसको हमें किस तरह से लगाना है, डायरेक्टली हमें कभी भी आईज पे नहीं लगाना। सबसे पहले हम इस तरह से शेड को लेंगे, इस तरह से हाथ पे इसको लगाएंगे जिससे कि एक्स्ट्रा जो भी है वो निकल जाए। और अब ये ब्रश लेकर अब मैं इसको अपने आईज पे लगाऊंगी क्योंकि ब्लैक कलर कई बार बहुत ही इंटेंस होता है और डायरेक्टली आप लगाएंगे तो एकदम से मैसी हो सकता है, जिसको आप कितना भी फिर आप ब्लेंड करेंगे वो बिल्कुल आपके कंट्रोल में आएगा नहीं। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा सा कलर लेके एक्स्ट्रा निकाल के हाथ पे फिर आप उसको लगाइए। और यहाँ पे क्योंकि हमको ब्लेंड करना है तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरह से लगाने के बाद बहुत ही इजीली ये हमारा यहाँ पे ब्लेंड हो जाएगा और ज़्यादा डार्क जो शेड है ये हमारा आईलिड पर होना चाहिए, ना कि क्रीज में। क्रीज में बिल्कुल भी आपको डार्क ब्लैक शेड एकदम नहीं चाहिए, तो ये आईलिड पर हमें करना है। और यहाँ पर मैंने ये कीको का लिया है आई लाइनर, जेल लाइनर। तो फ्लैट ब्रश मैंने लिया है उसकी हेल्प से मैं इसको यहाँ पे इस तरह से लगा रही हूँ और इसको मैं साथ में ब्लेंड भी करते जा रही हूँ। तो इसको भी हमें बहुत ऊपर तक लेकर नहीं जाना है, इसको हमें आईलिड पे ही रखना है और इस तरह से हम इसको ब्लेंड कर देंगे। और अब इसके बाद में ब्लैक वाला शेड मैं लूँगी दोबारा से यहाँ पर और अब ये हम इसको हम डायरेक्टली हमें लगाना है क्योंकि हमको काफ़ी इंटेंस ब्लैक स्मोकी आई मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो इसको डायरेक्टली मैं यहाँ पर लगा रही हूँ, सिर्फ आपको वो पहले जब हमें शेडिंग देना था हल्का सा क्रीज में वहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और यहाँ पे मैंने बिल्कुल भी एक्स्ट्रा शेड नहीं लिया है, सिर्फ वो ब्रश लेकर और मैं बस इस तरह से ब्लेंड कर रही हूँ इसको, कोई एक्स्ट्रा कलर मैंने नहीं लिया है ब्लैक वाला। और यहाँ पे हल्का सा ब्राउन जो हमने पहले लगाया था वो लेकर और साथ में हम इसको ब्लेंड कर देंगे तो बहुत ही अच्छा सा लगेगा ये। तो इस तरह से ब्लेंड हमें करना है और ब्लेंडिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ब्लैक स्मोकी आई, आप जब भी करें आप इसको ज़रूर अच्छे से ब्लेंड करते रहिए। इसके बाद ये ब्लैक वाला जो ग्लिटर आप यहाँ पे देख रहे हैं इस पैलेट में वो मैंने लिया है और ये W7 का पैलेट है, कोई भी दूसरा पैलेट आप ले सकते हैं जिसमें कि आपको ब्लैक ग्लिटर वगैरह मिल जाए। और दो इसमें थोड़ा सा ये सिल्वर मिक्स है लेकिन करने के बाद में ओवरऑल काफ़ी अच्छा लगता है ये। तो ये लगाने के बाद अब मैं यहाँ पे मस्कारा लगा रही हूँ और ये कीको मिलानो का मस्कारा है, तो इसको इस तरह से हम यहाँ पे लगा देंगे अच्छे से। अब दोबारा से अभी मैंने ब्राउन शेड लिया है यहाँ पर इस पैलेट में से
और इसको यहाँ पर मैंने पेंसिल ब्रश यूज़ किया है और इसकी हेल्प से मैं इसको लोअर लैश लाइन में लगा रही हूँ और इसको भी थोड़ा थोड़ा लेके मैं ब्लेंड करते जा रही हूँ। और काजल मैंने लिया है अब ये, और ये कीको मिलानो का काजल है, काफ़ी अच्छा लॉन्ग लास्टिंग काजल है ये, तो इसको हम लगा देंगे इस तरह से। बहुत ज़रूरत से ज़्यादा मोटा हमें नहीं लगाना है क्योंकि इसके बाद मैं ब्लैक आई शेडो लगाऊंगी। आप चाहें तो सिर्फ काजल ही लगा सकते हैं आप चाहें तो, लेकिन यहाँ पर मैंने ब्लैक आई शेडो के साथ में इसको ब्लेंड कर दिया है तो काफ़ी अच्छा और लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा ये। तो इस तरह से हम इसको ब्लेंड कर देंगे यहाँ पर, और एक्स्ट्रा जो भी कुछ हल्का फुल्का फॉल आउट हुआ है वो इस तरह से ब्रश की हेल्प से हम हटा देंगे। और ये हाइलाइटर लिया है मैंने जो कि वेट एंड वाइल्ड का है, प्रेशियस पेटल्स, और बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है ये जैसे कि आप देख रहे हैं। तो मैंने इसको आईब्रो के नीचे यहाँ पे इस तरह से और इनर कॉर्नर में मैं इसको लगाऊंगी, और यहाँ पे मैंने मस्कारा लगा लिया है लोअर लैशेस पे फिर से, और यहाँ पे लैशेस हम लगा देंगे। तो ये मैंने यहाँ पे लैशेस लगा दी हैं और ये लुक ख़त्म है यहाँ पे। बस बहुत ही सिंपल इजी स्टेप्स में आप ब्लैक स्मोकी आई कर सकते हैं, बहुत ही ग्लैमरस लगती है ये ग्लिटर के साथ में। तो ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल, और मुझको आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। जो भी कुछ मैंने यूज़ किया है प्रोडक्ट वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो उसको ज़रूर चेक कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय।